हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस महाकाली का मूर्ति बनाना सीखेंगे। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हुई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर का यूज़ करूँगा। सबसे पहले शिव जी का जो दोनों पैर है उसको आपको बनाना होगा। शिव जी का दोनों पैर को बनाने के बाद आपको शिव जी का जो पेट है उसके अंदर थोड़ा मिट्टी बॉडी है उसको भी डिटेल करके बनाना होगा। टाइगर का जो स्किन है उसके लिए मैंने अलग से करके थोड़ा मिट्टी ऐड कर दूंगा। उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे बॉडी का जो मेज़रमेंट है उसको कंप्लीट करना होगा, और शिव जी का हाथ भी उसके साथ आपको लगाना होगा। तो ये देखिए, मेरा यहाँ पे शिव जी का मेज़रमेंट का काम थोड़ा कंप्लीट हो गया। उसके बाद थोड़ा हाथों से और पानी से इसको क्लीनिंग कर दीजिए। फेस के लिए थोड़ा मिट्टी ऐड कर देंगे राउंड शेप करके, क्योंकि फेस को हम लोग बाद में डिटेल करके बनाएंगे। बालों के लिए भी थोड़ा मिट्टी आपको ऐड कर देना होगा दोनों साइड पे। तो शिव जी का मूर्ति जो है मेरे यहाँ पे थोड़ा कंप्लीट हो गया, और ज़्यादा डिटेलिंग करके हम लोग बाद में बनाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, माँ काली का जो मूर्ति है उसको मेज़रमेंट करना होगा। तो दोस्तों, अब हम लोग माँ काली का मूर्ति बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों पैर माँ काली का अलग से करके थोड़ा मिट्टी का कॉयल ले लीजिए, उसको पाका शेप देके आपको सेटिंग करना होगा। उसके बाद बॉडी का जो मिट्टी है थोड़ा उसको ऐड करना होगा, और हल्का करके बॉडी का जो शेप होता है उसको आपको बनाना होगा। उसके बाद आपको हर साइड में मिट्टी ऐड करके आपको देखना होगा कहाँ मिट्टी लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। टाइगर का जो स्किन है जो माँ काली पहनेंगे उसको भी आपको सेटिंग कर देना होगा, बहुत इजी है। तो गाइस, इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो मेरे चैनल पे बहुत सारा आपको मिल जाएगा। और इससे पहले भी मैं बहुत सारे माँ काली का मूर्ति जो मैं बनाया, आप चाहे तो मेरे चैनल में जाके उस सब वीडियो भी देख सकते हैं। तो गाइस, उसके बाद माँ काली का जो बॉडी है उसको आपको फिनिशिंग करना होगा। हल्का सा जगह जगह मिट्टी लगाना होगा जहाँ चाहिए, थोड़ा क्लीनिंग करना होगा। तो गाइस, देख सकते हैं हो गया। उसके बाद हम लोग माँ काली का जो फेस है उसको बनाएंगे। तो गाइस, माँ काली का फेस जो है मैंने पहले से ही बना के रखा है, अब देख सकते हैं थोड़ा एंग्री टाइप का है, तो उसको मैंने लगा दिया। आपको अगर देखना है माँ काली का फेस कैसे बनाया जाए तो इसके लिए भी मेरे चैनल पे और भी एक माँ काली का फेस बनाने का वीडियो है, आप चाहे तो उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। माँ काली का फेस बनाने के बाद जो चार हाथ है उसको भी मैंने अलग से करके बना लिया, उसको सेटिंग कर देंगे। अब सेटिंग करने के बाद मैंने माँ काली का बालों को बना दिया। बालों को बना देने के बाद माँ काली का जो कमर पर हाथ है वो हाथों को बनाना होगा। उसके लिए मैं अलग से करके थोड़ा छोटा छोटा मिट्टी का से हाथ की तरह शेप करके मैंने लगा दिया। तो गाइस, देख सकते हैं इस तरीके से
तो पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो राक्षस का फेस है माँ काली का गला में, उसको हम लोग बना देंगे। थोड़ा थोड़ा मिट्टी राउंड राउंड करके आपको सेटिंग कर देना होगा। इसको ज़्यादा डिटेल में बनाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ काली का मूर्ति बहुत ही छोटा है, देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना होगा, माँ काली को ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल करना होगा। जितना कंप्लीट हो जाएगा आपको उसके बाद ही डिटेल में लग जाना होगा। माँ काली का हाथ की जो उंगलियां है उसको भी हम लोग बना देंगे। देखिए इस तरीके से चारों जो हाथ है उसको मैंने सेटिंग कर दिया। तो गाइस, मेरे चैनल पे और भी माँ काली का मूर्ति बनाने का वीडियो है, कुछ अलग अलग टाइप का। आप चाहे तो इस वीडियो को देखने के बाद उस सारे वीडियो को भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आप लोगों को माँ काली का मूर्ति। और वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। माँ काली के हाथ में, ऊपर वाले हाथ में जो राक्षस का फेस होगा उसको हम लोग बना देंगे। तो माँ काली का मूर्ति जो कंप्लीट होने के बाद आपको शिव जी का फेस जो है उसको डिटेल करके बनाना होगा। तो देख सकती है मैंने ज़्यादा अच्छे से मैंने यहाँ पे शिव जी का मूर्ति नहीं बनाया, फेस नहीं बनाया, बाद में फिनिशिंग कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके आप जितना हो सके अच्छे से बनाने का कोशिश करना। और माँ काली शिव जी का उंगलियाँ को भी मैंने उसके बाद बना दिया। धीरे धीरे डिटेल करना होगा आपको। माँ काली का जो मुकुट है, जो गहना है, उसको भी मैं बना दूंगा यहाँ पे, देख सकते हैं। उसके बाद जो है माँ काली का मूर्ति कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद मैं कलर भी इस वीडियो में करूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं मेरा माँ काली का मूर्ति कंप्लीट हो गया और वो पूरी तरह से सूख भी गया। अब हम लोग इसे कलर करेंगे। तो कलरिंग करना बहुत ही आसान है। तो देखिए, सबसे पहले जगह जगह, क्योंकि एक माँ काली का मूर्ति ब्लैक कलर का होगा, इसीलिए पूरा बॉडी में माँ काली का व्हाइट कलर नहीं देंगे। तो सबसे पहले व्हाइट कलर देने के बाद माँ काली का और शिव जी का टाइगर का जो स्किन है अच्छी तरीके से येलो, हल्का येलो कलर जो है मैंने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद थोड़ा व्हाइट लेने के बाद साइड में थोड़ा शेडिंग कर दिया मैंने। उसके बाद आपको डार्क रेड के अंदर ब्लैक कलर मिला के बाउंड बना करके मैंने शेडिंग कर दिया ऊपर की साइड में। इस तरीके से आपको बाद में शिव जी का टाइगर का स्किन भी कर देना होगा। जो मुंडू माला का कलर है उसको भी मैंने दे दिया यहाँ पे। जो कोमर की हाथ है उसको भी मैंने कलर कर दिया। आप अगर चाहे तो आप भी बहुत ही आसानी से इस तरीके का एक माँ काली मूर्ति बना सकते हैं। तो ये सब कलर होने के बाद अब मैंने यहाँ पे जो रेड है, रेड का यूज करूँगा। तो गाइस देख सकते हैं हो गया। उसके बाद लाल, आपको लाल कलर लेना होगा हाथ और जहाँ जहाँ चाहिए, देख सकते हैं इस जगह पे आपको रेड कलर कर देना होगा बहुत ही अच्छे से।
तो मैंने रेड कलर पूरा जगह पे कर दिया। उसके बाद माँ काली का जो फेस है उसको डिटेल में कलर करेंगे। माँ काली का जो आई है साइड में रेड कलर करके कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद डिटेलिंग करना होगा, देख सकते हैं इस तरीके से ब्लैक कलर करके पूरा मुख को ढक देना होगा। तो गाइस देख सकते हैं फेस पूरा कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे से पूरे बॉडी में हम लोग ब्लैक कलर कर देंगे। तो गाइस देख सकते हैं हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है माँ काली का मूर्ति, माँ काली का पूरा कलर, माँ काली का आँखें, माँ काली का जीव। तो उसके बाद शिव जी का जो बॉडी का कलर है स्काई ब्लू में थोड़ा व्हाइट मिला के पूरा शिव जी में कलर कर देंगे, थोड़ा व्हाइट कलर लेके शेडिंग भी कर देंगे। उसके बाद तो देख सकते हैं पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद शिव जी के बालों पे ब्राउन कलर कर देंगे। देख सकते हैं हो गया पूरा कंप्लीट। उसके बाद माँ काली का बालों पे ब्राउन कलर लेके थोड़ा हाईलाइट कर देंगे इस प्रकार से, आप देख सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है माँ काली का बाल और माँ काली का पूरा बॉडी। शिव जी का रुद्राक्ष जो है उसको भी हम लोग ब्लैक कलर से पेंट कर देंगे। सांप को भी हम लोग कलर कर देंगे शिव जी का। उसके बाद शिव जी का आंखें जो फेस का डिटेलिंग कलर करना होगा। तो गाइस मैंने पूरा कलर कंप्लीट कर लिया, आप देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है माँ काली का मूर्ति देखने, शिव जी को भी अच्छा लग रहा है। उसके बाद त्रिशूल और दा जो है उसको हम लोग अलग से करके बना देंगे। ये देखिए कागज कटिंग करके, तो देखिए इस तरीके से त्रिशूल देने, त्रिशूल और दा देने के बाद जो दा है उसके ऊपर हल्का रेड कलर करके जो खून है उसको कलर कर देंगे। तो देख सकते हैं कंप्लीट होने के बाद अब बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्लीज़ आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही था आज का वीडियो, तो एक लाइक ज़रूर करना।